बैक टू आवर चैनल। तो गुड मॉर्निंग सभी को। लाचन में कल रात को हम लोग रुके थे और आज हम लोग जा रहे हैं गुरुदोंगमाल लेक और काला पत्थर। ये है 12,000 फीट पे। पीछे का नज़ारा देखिए, पूरा स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है आपको। तो मैं जो साथ में अपना जैकेट लाई थी, मेरा जैकेट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। मुझे सीरियसली नहीं आइडिया हुआ था कि इतना ज़्यादा ठंड यहाँ पे मिलेगा। सो आई हैड टू वेयर अविक्स जैकेट टुडे। तो मैं आज अविक का जैकेट पहनी हूँ। इससे थोड़ा बहुत मुझे रिलैक्स लग रहा है, फिर भी लग रहा है कि ये भी थोड़ा कम पड़ रहा है। और भी कुछ ज़्यादा अगर होता तो अच्छा होता। सो एनीवे, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। कल पूरा रात बारिश हुआ है और कुछ कुछ जगह पे स्नोफॉल भी हुआ है यहाँ पे कल रात को। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है और मतलब हालत बहुत ख़राब है। तो काला पत्थर अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे और उसके बाद गुरुदोंगमाल। तो वहाँ पे शायद ज़्यादा बात ना कर पाऊँ क्योंकि द सेम प्रॉब्लम, ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है और वहाँ से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कभी कभी ब्रीदिंग इशू वगैरह आ सकती है। सो नॉट श्योर क्या होगा। हम लोग के साथ चलिए और देखते रहिए आज का व्लॉग। हम लोग अभी तक लद्दाख और कश्मीर एक्सप्लोर नहीं किए हैं, बट यहाँ पे आके सीरियसली कुछ कुछ जगह पर मुझे लग रहा है कि मैं कश्मीर पहुँच गई हूँ और कुछ कुछ जगह पर ऐसा लग रहा है कि मैं लद्दाख पहुँच गई हूँ। इट्स वंडरफुल प्लेस सिक्किम। सो अभी तक का सिक्किम का सफ़र तो बहुत बहुत सही रहा है। सो एनीवे, अभी धीरे धीरे धूप निकल रही है। वहाँ पे देखिए धूप निकली है। वाला माउंटेन देखिए, उसके ऊपर अभी धूप आ रहा है और ऊपर में स्नो है। और पता नहीं आप लोगों को कितना पता चल रहा है, बहुत 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 ब्यूटीफुल दिख रहा है अभी। अभी हम लोग पहुँच गए हैं चाय पीने के लिए। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 6 o'clock। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, कल रात को स्नोफॉल हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे और चाय पियेंगे। अभी हम लोग खड़े हैं चेक पोस्ट में। हम लोग चाय पी के निकल गए हैं और ये यहाँ पे चेक पोस्ट है।
वहाँ पे आपको आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी परमिट है वो सब चेक करवाना पड़ता है। तो हमारे ड्राइवर भैया गए अभी चेक पोस्ट में वहाँ पे चेक करवाने के लिए, और हम लोग यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा सा मज़ा ले रहे हैं ये जगह का। चारों तरफ देखिए, चारों तरफ माउंटेन है और पूरा स्नो गिरा हुआ है यहाँ पे। कल रात को स्नो हुआ था यहाँ पे, यहीं पे लोकल से पता चला, तो बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ से हम लोग अभी डायरेक्ट जा रहे हैं गुरुदोंग मार। तो पहले प्लान था कि काला पत्थर पहले जाएंगे फिर गुरुदोंग मार, बट अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले हम लोग गुरुदोंग मार जा रहे फिर काला पत्थर जाएंगे हम लोग। और गुरुदोंग मार यहाँ से जाने में ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स तक लगेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना चैलेंजिंग है गुरुदोंग मार और कैसा रहता है वहाँ का नज़ारा। अभी हम लोग यहाँ पे 17,000 फीट पर खड़ा है और हम यहाँ चल रहे हैं इस रोड पे। और ये जो ट्रिप दिख रहा है आप लोग को, ये ट्रिप वगैरह है 19,000, 21,000, 22,000 फीट तक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के जो मात्र है 0 है, 0 ग्रेविटी फोर्स एकदम 0 हो रहा है अभी यहाँ पे। और यहाँ पे जो टाइमिंग है, हम लोग 12 बजे से पहले यहाँ आके घूम के जो गया तो गया अच्छे से गया, जो उसके बाद में घूमने के लिए यहाँ पे कम से कम काफ़ी सारा हिम्मत और बल चाहिए, स्टेमिना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पे 200 किलोमीटर प्रति घंटा जो हवा की स्पीड है 200 किलोमीटर का प्रति आवर से चलता है। टाइमिंग जो है आज का, हम लोग सुबह जल्दी आ गया है और इसलिए जल्दी आया है क्योंकि आज का मौसम जो है नीचे में ख़राब है, इधर में थोड़ा ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग लेट से जाएंगे तो यहाँ पे दिन में मौसम ख़राब होके बर्फबारी होके फंस भी सकते हैं हम लोग, ऐसा है। पिक वगैरह में बर्फ कभी नहीं पिघलता है और ये हम बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक है, बहुत करीब। चाइना और इंडिया जो बॉर्डर है, यहाँ से सिर्फ आपका गुरुदोंग से 7 किलोमीटर, सिर्फ 7 किलोमीटर रहेगा। और यहाँ से जो गुरुदोंग से ना आपको बॉर्डर जाने का अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। आपको बॉर्डर देखना हो तो नौसला जाना पड़ेगा, नौसला में आपको वहाँ पे परमिशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे अल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से बॉर्डर तक हम लोग पहुँच भी गया तो वहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा और हम लोग फैन होकर गिर जाएगा वो तरी। रहा ये रात का 2 बजे का गिरा हुआ बर्फ है, आज रात को गिरा है ये बर्फ, इतना ज्यादा बर्फ गिरा है कि देखने में अति सुंदर लग से, अति सुंदर भालो लग से।
का सिलेंडर जो है ना साथ में लेके आइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे तो ऐसा लगेगा जैसे बिन पानी का मछली तड़प तड़प के मरने से अच्छा थोड़ा सा ऑक्सीजन लेके आ जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेक 17,800 feet, कांट इमेजिन वी मेड इट। अभी तक ब्रीदिंग इशू नहीं आया है, ऑक्सीजन रखा हुआ है, लेते आते वक्त थोड़ा बहुत ले लिए ऑक्सीजन, अभी तक ठीक है। थोड़ा सा सर थोड़ा सा घूम रहा है, लग रहा है कि लाइट हो गया है बॉडी बहुत, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन।
नथिंग इज इम्पॉसिबल. 17,800 ऑन गूगल, शेरपा जी बता रहे थे 18,800 फीट, वी मेड इट. 17,800 फीट हम लोग ने सोचा नहीं था कवर करेंगे, बट इज मैजेस्टिक. आते आते आप लोग रास्ते देखे होंगे कितना सुंदर है. मुझे समझ में नहीं आया मैं लद्दाख में हूँ कि सिक्किम में हूँ. हम लोग पानी के सिप लेते लेते आए और विक्स का इन्हेलर लेके आए थे, तो वो लेते लेते भी आए थे, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. थोड़ा सा हल्का लग रहा है. यहाँ से 15-20 मिनट से ज़्यादा आप रुकेंगे नहीं, यहाँ से चलते बढ़ेंगे और एन्जॉय द ब्यूटी. तरफ नजारा ही नजारा, क्या करूं, कहां रुकूं, कहां नहीं रुकूं, पता नहीं चल रहा है. रुदंगवार से हम लोग अभी वापस जा रहे हैं. हम लोग जा रहे हैं अभी काला पत्थर की तरफ, तो चलिए चलते हैं. बहुत ज्यादा देर इस हाई ऑल्टीट्यूड में नहीं रुकेंगे. थैंक यू सो मच.